ले लो आयुष। क्या गुची? फिर से गुची? पूरा गुची बॉय बना दिया। वाव यार ये मोमेंट बड़ा स्पेशल था। लेकिन सामने से रिएक्शन नहीं देखा था ये, अभी देखते रह गए भाई। सेटअप देखो। ओके आप सबके से बेटे, अभी हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं तो जाते जाते आप लोगों को बताऊँगी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी हमें ट्रैफिक मिलेगा तो मैं हरी अप कर रही हूँ। अरे मेरा फोन भी नहीं चार्ज है। सो या लेट्स गो, हमें दुबई पहुँचाना है। बहुत सही। पापा आपकी ईदी मिल गई? मैंने परफ्यूम दे दिया। आयुष को भी परफ्यूम? आपको ईदी क्या मिला? उसे चार टी शर्ट दी मुझको। ओके और जल्दी से पापा जल्दी से गाइस नाराज मुझसे कल दे देता, मुझको मैं कल पहन लेता। पापा ये चार आपको पसंद आई? बहुत खूबसूरत है ये। ओए ओए चलो गाइस कल। हाँ वैसे कल मिल जाती तो पापा पहले थे, लेकिन कोई नहीं। वो क्या कहते हैं अभी। सो गाइस हम लोग पिछले 10 मिनट से इधर लिफ्ट का वेट कर रहे हैं और 15 मिनट हमें लगे पार्किंग ढूंढने में और 10 मिनट से हम इधर खड़े हैं। तो आई कैन इमेजिन कि दुबई मॉल में क्राउड कितना होगा और हम ऑलरेडी लेट भी हो रहे हैं और हमें जाना भी जरूरी है दुबई मॉल। सो क्या कर सकते हैं, अब बैठ के वेट कर रहे हैं कि जल्दी से कोई आए। अब जो भी आएगी उसमें हम चले जाएंगे, चाहे लड़के हो नहीं हो, क्योंकि जो भी आ रही है उसमें सब लड़के भरे हुए हैं। सो आप लोगों को क्राउड भी दिखाती हूँ मैं दुबई मॉल का। मुझे तो क्राउड से वैसे ही एंजाइटी होती है तो मैं दिल अभी से दुख 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 नहीं चलता यार। तो अल्लाह खैर करे, बस कोई अपना बंदा साथ में चेहरे को कहीं आ गए यार। आते वक्त भी ट्रैफिक था, फिर यहाँ पार्किंग मिलने में भी ट्रैफिक था, अब यहाँ पे खड़े में पागलों की तरह 10 मिनट से पार्किंग ही नहीं आ रही, लिफ्ट ही नहीं आ रही कि ऊपर जा पाए। फाइनली हमें मिल गई है लिफ्ट। इतने टाइम से 10 मिनट से खड़े हुए थे, कुछ भी नहीं मिला। तो सोच रहा तुम्हें मेरे कंधे में रख के लेके जाऊंगा। उधर कौन बात है क्या? वो ऐसे क्यों? देखो सिर्फ 10 तो देखो ये मॉल ही वासी से मॉल नहीं लग रहा मुझे। हाँ अब्दुल वासी वो बेचारा ऐसे दीवार पे मुंह देके खड़ा बिल्कुल। सो गाइस रश तो थी बट इतनी नहीं थी, लेकिन हम आ गए। हमारा फर्स्ट स्टॉप है गुची और आयुष इधर से जो है अपने लिए गुची के चश्मे लेगा, मैं लेके दूंगी। दिखाओ कौन सा वाला, पहन कर ही नहीं आया आज। कौन सा वाला है? ये वाला, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा आयुष का जूता। ये वाले भी अच्छे हैं यार, वो जूता है चप्पल है 2-in-1। ये वाले कितने प्यारे हैं आयुष, ये महंगे भी इतने ही मिलेंगे यार। चलो हाँ ट्राई करो, वी वुड लाइक टू ट्राई। दिखा। हाँ तो महंगे चश्मों की ये बहुत सूट कर रहा है आयुष। आयुष ये वाला भी ट्राई करो, ये हल्की। हाँ ये वाला ऐसा कट ही अच्छा लगता है ना, ऐसे वाले मतलब मुझे वो ऊपर वाले भी अच्छे लग रहे हैं। हाँ तो देखो ना वो वाले नहीं है, बस इतने चश्मे हैं इसके कुछ। देखो इधर, हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है। नाइस। हाँ मिरर किधर है? सब जगह मिरर ही मिरर है, कहीं भी देख लो। मेरे उस तरह नहीं लग रही है। नहीं पागल इसकी क्लास ही अलग है, थोड़ी थोड़ा सा आयुष थोड़ा सा बाहर की तरफ रखो मतलब। हाँ थोड़ा सा, हाँ ऐसे यस दिखा इधर दिखो। यस हाँ हाँ ये अच्छा। आयुष और भी ट्राई करो, और फ्रेम से ट्राई करो। आयुष ये वाला ट्राई करो, ये वाले भी तुमने कभी भी नहीं लगाए इसे। नहीं ये वाले शायद आयुष पे कम अच्छे लगेंगे, वैसा वाला फ्रेम मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा वो वाला। अच्छा नहीं ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा लग रहा। हाँ
ये लग रहा है गुची, इस तरफ देखो, साइड पे देखो, ये देखो इतना बड़ा बड़ा गुची लिखा हुआ है और ये लाइंस भी गुची की होती है। ये वाला बोलो बोलो टाइम से चाहिए अभी तो चैनल से ना ठीक है सर मुझे लव गिफ्ट दे दो ओके अगर चैनल के रहते नहीं रहे सूट कर रहे लाइट है आ? लाइट है नीचे नीचे झुको नीचे झुको नीचे की तो नहीं है पक्का बहुत फिक्स है यार बहुत फिक्स है इतनी हल्की की फील ही नहीं हो रही पहना हुआ हां ये ब्रांड ऐसी होती है पूछो से प्राइस आयुष महंगी चीज़ें हैं तो एक एक चीज़ को हम देख कर ले रहे हैं कि यू ना वो ले ले फिर उसको अच्छा ना लगे तो वो दो में कंफ्यूज हो रहा है एक गोल्डन टाइप है और एक बिल्कुल ब्लैक है सो देख रहे हैं कैसे पकड़ रहा है अपना फेस ही घुमा ले रहा है यार जब ये लग रहा है वीडियो में आने वाला ये वाला ना ये वाला अच्छा है और एक और बात बताओ मैं देखो इसके ना ये नॉर्मल बिल्कुल के जैसे यूजुअली होता है ना वैसा है इसका ना ये बता रहा है कि हाँ दिस इज गुची का है और ये अच्छा लग रहा है आपके फेस पे ना उभर के आ रहा है चश्मा लगेगा सो गाइस फाइनली ले लिया है हमने वो जो ब्लैक वाला था ना वो लिया है उसके साइड पे जो है गुची की स्ट्राइप्स बनी हुई है सो इन्होंने पैक कर दिया है इनको नहीं दिखाऊंगी वो बोली थी मुझे मत दिखाना सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन सा वाला लिया है आयुष ने अभी तो वो पैक हो गया है वो उस तरफ है मैं आप लोगों को कितने का है ये भी बताओ हमें तो ये जानना भी ये भी जानना है ये वाला है नहीं हाँ ये आयुष ने ये वाला लिया फाइनल मस्ट डन फिर अभी तो बैटरी है ये ना बार बार कंफ्यूज हो रहा है बैटरी है पागल इतना अच्छा लग रहा है इस पे फिर भी बैटरी है ये बैग भी मैंने देखा है गुची का किसी के पास तो देखा है किसी ब्लॉगर मिला करने लगे आयुष के पास ही है क्या आयुष के पास नहीं किसी और के पास डन राइट ये लो आयुष आ गए तुम्हारा गुची का आ गई ओके गाइस अब हम घर जा रहे हैं घर जाकर हम लोग तैयार होकर लाइव जाएंगे और वीडियोस बनवाएंगे और बहुत ज़्यादा हरी क्या बोलो से हरी हरी अब पूरी है हम लोग क्या हो गया खुला हुआ तो है सो लेट्स गो होम देखते हैं कब तक पहुंचते हैं बहुत बड़ी गाड़ी है यार इतनी बड़ी गाड़ी है ऐसे लगा नहीं चाहिए सारी शॉपिंग वगैरह हो ली हो रही हो गई है बस कुसुम का बैग रह गया है वो आयुष बोल रहा है कि वो आयुष कुसुम को नेपाल से दिला देगा अगर कुसुम के ना दिलाए ना तो मैं तो तुमने मुझे बताना है वैसे दिला देगा बात का तो पक्का है बाकी अब हम लेट हो रहे हैं हमने तैयार होके लाइव जाना है तो भूल ही गए हम लोग नहीं कर लेते वो रिएक्शन भी तो देखना बाकी खाना वाला खाएंगे तो तब करूंगी मैं खाना खाऊंगी तो तब करूंगी एंडिंग वासे को क्या हो गया यार और गाइस हम लोगों ने जो ना मामा के लिए सनब्लॉक मंगवाई थी वो भी घर पर आ गई मैं आपको दिखाती हूँ रुको यही चाहिए ना यही हाँ यही वाले से सर पकड़ लो ना सही आ गई मामा की चीज़ें ठीक है ये बहुत ऑसम होते हैं अगर आप लोगों को भी यूज करना है तो कीजिए हम सब तो यही करते हैं और ये कैफेटेरिया वाले भी आ गए और ये हमारा घर अंदर जाएंगे ओके गाइस तो अभी हम घर पर आ गए और घर पर आते ही मैंने अपने लिए चाय मंगवाई है क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज्यादा मेरा सर दुख रहा है लिटरली ओ माय गॉड और अभी ये रेडी भी होंगे इस हालत में भी मुझसे दो धर्म की चाय भी वसूलती है भाई खुद तो याद ही ना खरीदी तो यार मैं कब से बैठी हूं देखो फिर से हम लोग पैसे निकालना भूल गए ईद का तीसरा दिन है गाइस लिटरली आयुष यहाँ पर आया है मुझे दो मिनट नहीं मिले कि मैं उससे बातचीत कर सकूं अपने बारे में कि हाँ कैसे हो तुम क्या हो ये अल्लाह की कसम आई स्वेर मैं बिल्कुल भी उससे बात ही नहीं कर पाई कि तुम कैसे हो क्या ये वो मुझे अपने दिल की बात की बिल्कुल भी नहीं व्लॉग्स बना रहे लाइव जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं ये कर रहे हैं वो कोई बस तो अभी टाइम ले लो ना थोड़ा यार कैसे टाइम ले लो रो मत यार टाइम हाँ रोना एनीवेज मैं अभी ये खा रही हूँ उसके बाद मैं तैयार हूँ जो मुझे तैयार करेगी उसके बाद आई शो यू ऑल माई लुक ओके सो गाइस इस मैंने मेरे बाल ना आगे से जो है ना मतलब कर्ल्स किए हैं और इनको हम नहीं वो कर पाए मतलब अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है सो ये इस मैं साड़ी का कर रही है इधर
रिकॉर्ड करेगी, इधर पीछे से मैं जाऊँ, इधर आगे से मैं जाऊंगी। सो अभी फटाफट साड़ी जो है ना बांधते हैं। मैं अभी कुछ इस तरीके की लग रही हूँ, वी जस्ट फिगर्ड आउट किसको किस तरीके से पहनना है। ये अभी बहुत जो है ना मुश्किल से मैंने पहनी है और ये मुझे इतनी फिट भी नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं, अल्लाह करीम। अभी हम जाते हैं, आयुष को दिखाते हैं। हेलो, रिएक्शन अच्छा नहीं दिया ना इसका? हाँ, पिछली बार का भी अच्छा नहीं था। ओ फ्रीज ही हो गया था। देखते रह गए भाई तो। हाँ। अरे मैंने क्या बोला तो लेकर गए ना अभी वो साली। गाइस सो सॉरी, कितनी भी तो देखो ओके गाइस, तो अब लाइव खत्म करके हम जो है और रोए थे लाइव में, अलग से पता चल रहा है। खाना वगैरह खाएंगे और जब हम खाना खाएंगे तो मैं अपना व्लॉग जो है एंड करूंगी। जो छोड़ने जाएंगे उसका व्लॉग मैं व्लॉग तो नहीं बनाऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी मैं, बिकॉज कुछ होगा ही नहीं ना उसके लिए व्लॉग। तो यप, आई सी गाइस इन सम टाइम जब हम खाना खा रहे होंगे। अभी हम वीडियोस पिक्चर्स लेने लगे। सो गाइस, मैंने चेंज वगैरह कर लिया और अब हम खाना लगा रहे हैं। और खाने में जो है दाल चावल नगेट्स और ये पता है आप लोगों को क्या है, ये पापड़ है। आप लोगों के यहाँ डिफरेंट पापड़ होते हैं, हमारे यहाँ डिफरेंट पापड़ होते हैं। दाल गेरी, ये आलू की कटलियाँ हैं, ये चावल है, इसमें रोटी है गरम गरम। सो सारी चीज़ें अब मैं डाइनिंग ठीक करती हूँ और मामा ने ये थ्री प्लग ले लिया था, इसको लगाते हैं फिर सबको बुलाते हैं। ओके, ये मेरा लास्ट डिनर है आयुष के साथ। अब पता नहीं कब नसीब होगा। अरे यार, माय लेवल बेस्ट नॉट टू क्राई और टू गेट इमोशनल, बट यू ऑल नो मी मोर देन मी, मोर देन माय सेल्फ। नहीं कंट्रोल हो पाएगा, आई नो, आई एम ट्राइंग। मेरी प्लेट है आयुष के लिए, मैंने डाला है और मैं आयुष का वेट कर रही हूँ कि वो आए तो हम खाना स्टार्ट करें। पिछले 5 मिनट से, क्योंकि उसको मतलब जल्दी से अपना व्लॉग भी वो करना ना इतना मुश्किल होता है ना, कसम से हर एक चीज को मैनेज करना। लेकिन अभी डेली व्लॉगिंग बहुत मुश्किल है भाई। आप लोग खाना खाना, मैं तो चली आऊंगी, आप लोग टाइम स्पेंड करना है, ऐसी खोल देना। ओह दैट्स सो स्वीट यार, उनकी मम्मी ये चीज बोल रही है। यहां बैठना, बात करना, डाल देगा दीदी यहां। सो गाइस, आयुष आ गए यहां पर। हीरा और गाइस खाना खा रहे थे, मैं इधर क्या कर रहा हूं, देखो इधर व्लॉग भी एडिट कर रहा हूं। सो गाइस, हम जा रहे हैं अब नेपाल। सो मोटू को बाय बोलते बोलते आप लोगों को भी बाय बाय फ्रॉम दुबई। मोटू जल्दी शायद नेपाल आएगी, नहीं तो जल्दी मैं दुबई आऊँगा और फिर से हम मिलेंगे। पर अब जिस दिन हम आएंगे दुबई फिर से अगली बार, तो बहुत सारे टाइम के लिए आएंगे। मैं इमोशनल हो रही हूँ यार इससे ज़्यादा तो। सही है, यस मोटू इज हैप्पी। क्या इसे मजाक क्या मजाक अपनी दुआ क्या मांगी थी? हाँ, नेक्स्ट टाइम जब आए तो शादी हो जाए, मतलब अब नहीं, नेक्स्ट टाइम की नहीं, अब ये न्यू ईयर में एक बार तो होगी एंगेजमेंट, तो अब मतलब ये साल की शुरुआत के बाद अब 2020 में मेरी अब शादी हो जाए। मेरी मन्नत है पूरा होने वाली चीज पर, उसके बाद उससे पहले की चीज़ तो पहले स्टेबल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, वो ये वो तुम्हें मैं कर दूंगी तुमको स्टेबल। चलो गाइस, बाय, टेक केयर, सी यू सो सून, होप यू लाइक द वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय, टेक केयर, एक सेकंड, थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर मेकिंग माय ईद स्पेशल। ओके चलो, बाय गाइस, बाय बाय। अरे यार ये बहुत स्पेशल था यार, सही में। तो वो साथ में बोल रहे थे ना कि मतलब
कि मोंटू ने बोला है कि अगले टाइम आओ, मतलब प्रॉमिस करो अगले टाइम आओगे तो सारा टाइम के लिए आओगे, वो पल वो इमोशनल नहीं हुए उनकी वजह, मैं इमोशनल हो गई यार। एक तो ये आई एम सॉरी बट यार इतने कम टाइम के लिए आना, वो बहुत मिस करने वाले हैं एक दूसरे को, ये चीज मैं जानती हूँ। और मुझे सबसे प्यारा वो रिएक्शन मैंने लाइव में भी देखा था जब वो रेडी होके आए, वो अब भी देखा, लेकिन उससे भी प्यारा मुझे जो लगा ना, एक बात मुझे नहीं पता आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा नहीं सुना होगा, बट उनकी मम्मी ने जब ये बोला कि तुम दोनों ना, मैं भी अभी खाना खा के चली जाऊंगी, फिर तुम दोनों आराम से बैठना टाइम स्पेंड करना, वो जो बात बोली ना वो मेरे लिए बहुत स्पेशल थी यार। पेरेंट्स भी वो चीज समझते हैं कि तुम दोनों आराम से बैठना टाइम स्पेंड करना बातें बातें करना, वो चीज बहुत स्पेशल होती है यार, वो बहुत जरूरी भी होती है। और आयुष सिर्फ 3 दिन के लिए आया, अभी मैं चाहती हूँ अलीजे आके सरप्राइज करे पूरा प्रॉपर ऐसे ही कि मैं सरप्राइज करने आई हूँ करके, और वो नेपाल आए रहे सारी चीजें करे। और एक जो चीज और मुझे अच्छी लग रही है वो लाइव में भी आयुष ने बोला था, और ये बात मैंने पहले भी बोली है कि पहले ये था आयुष को कि 2 साल बाद शादी करेंगे 2-3 साल बाद या ये चीज है, लेकिन अभी आयुष को ये हो गया कि इस साल शादी हो जाए बस, है ना, कि उससे पहले मैं स्टेबल हो जाऊं सारी चीजें हो जाए और फिर शादी हो जाए। वो चीज आयुष की ना, वो पहले भी मैंने बोला है मैं अब भी बोल रही हूँ, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि इतना वो आ गया ना 3 महीनों में ही, 3 महीने दूर रहे फिर उसके बाद मिले और ये सारी अभी जो हुआ इसके बाद ये सारी चीजें हो गई है, तो ये मुझे बहुत स्पेशल लग रहा है, बहुत स्वीट भी लग रहा है। और या क्या बोलूं यार, आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ ऐसी चीजों को लेके। बट आई होप आप भी हुए होंगे अगर आप प्यार को थोड़ा समझते हो, रिलेशनशिप को समझते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को समझते हो। तो yeah, that's it for this video. I hope you like it. If you do, then please like, comment, share and subscribe to my channel below. And I will see you in the next video. Till then, bye.